बैंक के लॉकर में पड़े लाखों रुपए को दीमक चटकर जाए तो यह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह बात सच है। जी हाँ, उदयपुर शहर के कालाजी गोराजी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में पड़े 2,15,000 रुपए को दीमक ने डकार लिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंक लॉकर नंबर 265 की मालकिन सुनीता मेहता ने अपने लॉकर में पड़े रुपए निकलवाने गई तो सारे रुपए दीमक ने खा रखे थे। पीड़ित का आरोप है कि बैंक मैनेजमेंट ने प्रेस कंट्रोल नहीं करवाया, इसलिए कैश का नुकसान हुआ है। दूसरे लॉकर्स में अन्य कस्टमर्स के सामान को नुकसान होने की भी आशंका है। इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से भी की गई है। महिला के छोटे भाई मनोज डोला ने बताया कि सुनीता मेहता को बैंक में लॉकर संख्या 265 आवंटित है। इसे मई 2022 में खोला गया था। सुनीता के फूफाजी का निधन होने पर शुक्रवार को उनका धोवरा होने से रुपए की जरूरत महसूस हुई। इस पर मनोज और सुनीता गुरुवार को बैंक पहुंचे, जहां पर रुपयों में दीमक लगे हुए दिखे। मनोज ने बताया कि सुनीता और मैं दोनों अपने अपने लॉकर के सामान निकलवाने पहुंचे थे। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट कर लिया, जब दीदी ने उसका लॉकर खोला तो दीमक लगी हुई थी। खोलकर नोटों के बंडल को देखा तो वह फंसा हुआ था। बैंक कर्मी ने स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंडल को निकाला। 15,000 रुपए का 50 के नोट का एक बंडल पूरी तरह से खराब था। इसके अलावा एक थैली में 500-500 के नोट के बंडल थे। ऊपर से देखा तो ठीक था। इसके बाद हमने बैंक मैनेजर को 15,000 रुपए खराब होने की शिकायत की। 3 घंटे बाद 15,000 रुपए बदल दिए। घर जाने के बाद बाकी 2,00,000 रुपए चेक किए तो वो भी दीमक खा चुकी थी। लोडा ने बताया कि उस बैंक से कम 25 से ज्यादा ऐसे लॉकर होंगे जहां दीमक लगी हुई है। दीवार से दीमक लॉकर में फैल गई है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक कर्मी वक्त रहते इसका समाधान कर देते तो लॉकर में रखे सामान तक दीमक पहुँचती नहीं, जिससे नुकसान भी ना होता। बैंक के सीनियर मैनेजर प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि ग्राहक के नुकसान की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कस्टम को शुक्रवार को वापस बुलाया गया है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। इधर सूत्रों से पता चला है कि बैंक शाखा में सीलन की परेशानी है, दीमक मौजूद है। मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।